वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा। अब जल्दी से टाइम वेस्ट करे बिना करते ही वीडियो को स्टार्ट। हेलो एवरीवन, जय जिनेन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टीआरएस क्रिएटिव यूनिवर्स। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं अपने घर पर रखी हुई कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अब मैं यूज़ में नहीं लेती हूँ, उन्हीं चीज़ों की यूज़ से हमें बहुत ही प्यारा एक डेकोरेटिव पीस बनाने वाली हूँ जो कि दिखने में क्लासी भी दिखेगा और साथ ही साथ एक्सपेंसिव भी दिखेगा। मैं यहाँ पर एक मटकी का यूज़ कर रही हूँ जिसे सबसे पहले मैं वाइट कलर से बेस पेंट कर दूँगी। बेस पेंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक प्राइमर यूज़ कर रही हूँ जिसकी हेल्प से मैं इस मटकी को पूरी तरीके से वाइट कलर से बेस पेंट कर दूँगी। आप कोई भी ब्रांड का यहाँ पर प्राइमर यूज़ कर सकते हो या फिर आप एक्रेलिक कलर की हेल्प से भी इसे बेस पेंट कर सकते हो। इसे मैंने बेस पेंट कर दिया है, अब लेट इट ड्राई फर्स्ट, उसके बाद ही मैं यहाँ पर कोई दूसरे कलर अप्लाई करूँगी। पॉट के ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पर इसे क्लासिक लुक देने के लिए ब्लैक कलर एंड कुछ मेटलिक कलर्स का यूज़ करने वाली हूँ, जैसे मैं यहाँ पर गोल्डन कलर का यूज़ कर रही हूँ, कुछ अदर मेटलिक कलर्स भी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। इसे थोड़ा फिनिशिंग के साथ पेंट करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके की सेलो टेप का यूज़ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ भी मुझे पेंट करना है उतनी प्लेस पे मैं यहाँ पर सेलो टेप कॉर्नर्स में लगा रही हूँ और बीच वाला जो हिस्सा रहेगा वहाँ पर मैं अदर कलर पेंट करूँगी। तो इस तरीके से मैं पूरे जो मटकी है उस पर इस तरीके से मैं सेलो टेप का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ बीच में मुझे कोई अदर कलर अप्लाई करना है तो मैंने दोनों साइड पे ऊपर एंड नीचे सेलो टेप अप्लाई कर दी है और बीच वाला जो हिस्सा है यहाँ पर मैं कोई दूसरा कलर अप्लाई करूँगी जिससे बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये यहाँ पर पेंट भी अच्छा दिखेगा। पॉट के बीच वाला जो पोर्शन है, जो दोनों सेलो टेप्स के बीच में मैंने गैप रखी है, वहाँ पर मैं ब्रॉन्ज मेटलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से अगर आप कोई पेंटिंग ट्रिक का यूज़ करते हो तो आपकी पेंटिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ होगी। अगर आप पेंटिंग नहीं भी जानते हो लेकिन इस तरीके की ट्रिक का यूज़ करते हो तो काफ़ी फिनिशिंग के साथ आप पेंटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर ये कलर मैंने कम्प्लीटली पेंट कर दिया है। काफ़ी रफली मैंने इसे पेंट करा है क्योंकि मुझे ये फियर नहीं था कि मेरा कलर इधर उधर होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ सेलो टेप्स का यूज़ किया है तो मैंने बहुत ही बेफिक्री होकर यहाँ पर कलर किया है। अब जो बचा हुआ हिस्सा है, जो वाइट पोर्शन है, वहाँ पर मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ। जब तक ये बीच वाला कलर जो ब्रॉन्ज कलर है वो ड्राई हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर ब्लैक कलर के लिए यहाँ पर बाउंड्री लाइन्स बना रही हूँ और ब्लैक कलर पेंट कर रही हूँ। चारों तरफ से मैंने ब्लैक कलर से इसे बाउंड्री लाइन बना दी है। अब जो सेलो टेप का मैंने यहाँ पर यूज़ किया था उसे धीरे धीरे मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी क्योंकि जो ब्रॉन्ज कलर मैंने किया था वो ड्राई हो चुका है। ध्यान रखें, अगर आप भी ऐसी ही कोई ट्रिक का यूज़ कर रहे हो तो पहले पूरा कलर सूख जाए उसके बाद ही आप इसे रिमूव कीजिए, अदरवाइज़ जो कलर आपने किया है वो स्प्रेड हो सकता है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ये कलर हुआ है। अगर मैं विदाउट सेलो टेप यहाँ पर कलर पेंट करती तो शायद ही इतनी फिनिशिंग आती। अब इसी तरीके से जहां पर जो वाइट पोर्शन है वहां पर मैं ब्लैक कलर पेंट कर दूंगी और उसके बाद यहां से सेलो टेप को रिमूव कर दूंगी। यहाँ पर ये मेरी बेसिक पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है। अब बारी आती है इसे थोड़ा सा डिज़ाइन करने की। तो यहाँ पर मैं दो बॉटल के कैप्स ले रही हूँ, डिफरेंट साइज़ के कैप्स हैं यहाँ पर, और इन्हीं की हेल्प से मैं यहाँ पर सर्कल्स बनाने वाली हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर ब्लैक कलर है, मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर सर्कल बनाने के लिए।
थोड़ी थोड़ी गैप में मैंने यहाँ पर सर्कल्स बना लिए हैं। उसके बाद मैंने इसे प्रॉपर फिनिशिंग देने के लिए ब्रश का यूज़ किया है, जिसके थ्रू मैंने प्रॉपर सर्कल का शेप यहाँ पर फिनिशिंग के साथ बना दिया है। सेम एज़ मैंने इसके नेक पोर्शन पे भी छोटे वाले कैप की हेल्प से छोटे छोटे से सर्कल्स बना दिए है और इसे प्यारा सा लुक दिया है। सो फाइनली यहाँ पर ये प्यारा सा पॉट बनके रेडी हो जाता है। बहुत ही प्यारे प्यारे से मैंने यहाँ पर कलर्स यूज़ किए हैं और प्यारी सी सिंपल सी सर्कल्स वाली डिज़ाइन देके इसे बहुत ही क्लासिक सा लुक दिया है। सो दिस इज़ फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ माय DIY डेकोर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। मेरे पास एक प्लांट था जो कि अनफॉर्चुनेटली सूख चुका था। किसी और के लिए तो ये जस्ट एक सूखा हुआ प्लांट है, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव आइटम बन सकता था। तो मैंने इसे सबसे पहले वॉश कर लिया और इसे रियल प्लांट को आर्टिफिशियल लुक देने के लिए यहाँ पर मैं ब्लैक कलर का ऑयल पेंट यूज़ कर रही हूँ इसे पेंट करने के लिए। वन बाय वन मैंने प्लांट की सारी ब्रांचेस को इस तरीके से पेंट कर दिया है ब्लैक कलर से। सारी ब्रांचेस को मैंने पेंट करके यहाँ पर बंच बना दिया है और इसे एक रबर बैंड के थ्रू मैं इसे बांध रही हूँ। चाहे तो आप यहाँ पर कोई भी रोप का भी यूज़ कर सकते हो, जिससे सारी ब्रांचेस इसकी एक ही जगह पर रहे और इधर उधर ना हो। तो यहाँ पर मैंने इन सारी ब्रांचेस का बंच बना के एक रबर बैंड के थ्रू बांध दिया है। अब बारी आती है इसे थोड़ा डेकोरेट करने की। मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के एंड कलर्स के मोती का यूज़ कर रही हूँ इसे डेकोरेट करने के लिए। तो सिंपली जो मोती के होल्स है उन्हें मैं इन प्लांट्स की ब्रांचेस में छोटी छोटी जो ब्रांचेस है उनमें फ़िट करते जा रही हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मुझे किसी भी टाइप का कोई भी गम या फिर फेविक्विक की नीड नहीं है। सिंपली मैं इन मोती को यहाँ पर फिट करते जा रही हूँ और इस तरीके से मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। फाइनली यहाँ पर सेकेंड हाफ पार्ट ऑफ माई डेकोर पीस कम्प्लीट हो जाता है। इट इज़ लुकिंग सो क्लासी एंड एक्सपेंसिव। इसे विंटेज लुक देने के लिए इसकी ब्रांचेस में मैंने थोड़ी थोड़ी सी जगह पर गोल्डन कलर से ब्रशिंग की है। फाइनली मेरा ये DIY कम्प्लीट होता है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि ये डेकोर पीस बहुत ही क्लासी एंड एक्सपेंसिव लगने वाला है। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लग रहा है मेरा ये DIY। एंड अगर आप ये पसंद करते हो तो प्लीज़ जल्दी से एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।